बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबसवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़। और मैं हूं इशाल सुलेमान। बाकायदा आज के दिन का आगाज़ करेंगे, जुमातुल मुबारक है तो आपको जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद भी देंगे। हाँ जी, और जुमे का दिन है, कुछ अच्छी बात ऐसी होनी चाहिए कि जो असल में तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे होते हैं ना, लेकिन शायद उस पर हमारा उतना फोकस नहीं रह जाता। तो हलाल रिज्क कमाना ये बहुत बड़ी सआदत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आयद होती है कि रिस्क तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन क्या आप हलाल तरीक़ों से उसको कमाना चाहते हैं या नहीं कमाना चाहते हैं, ये चॉइस आपके पास है। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप पर फ़र्ज़ है, वो यही है कि आपने सिर्फ हलाल रिस्क कमाना है और उसके लिए ही काविश करनी है। आप हराम की तरफ जाते हैं तो शायद आपकी वक्ती जरूरियात तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी और आप एक पूरा आसाइश जिंदगी भी शायद इस तरह से जी लेते हैं, लेकिन बाद में पेरेंट्स शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने कोई आसाइशें देने में कमी नहीं छोड़ी। फिर कहाँ पर गलती या कहाँ पर कोताही हो गई है? बिल्कुल, तो फिर आप ये सोचें कि कहाँ पर कोताही हो गई। क्या आपके रिस्क में कहीं किसी का हक मार कर तो आपने अपने बच्चों को नहीं खिला दिया? कहीं पर आपने हराम तो नहीं कमा कर उन्हें खिला दिया? क्योंकि बच्चों की तरबियत या बच्चों को जो आप खिला रहे हैं, जिस तरह से आप उनकी तरबियत कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप खिला क्या रहे हैं और किस तरीके से आपने कमाया है। और एक दाना भी अगर आप हराम का कमाते हैं और शामिल होता है वो आपके हलाल रिस्क के अंदर, तो आपका तमाम जो रिस्क है वो ख़राब हो जाता है। आपने इतनी मेहनत से जो कमाया होता है, कहीं आपको लगता है कि यार आज तो मेरी मजबूरी है तो आज ये कर लेना चाहिए, तो वहीं पर तो साबित कदम रहना है, वहीं पर तो आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है कि आपका ईमान कैसा है। तो अक्सर ये कहा जाता है ना कि सबसे मुश्किल होता है पहला निवाला जो होता है हराम का, और सबसे आसान दूसरा निवाला होता है। तो हमने पहले निवाले को रोकना है हराम के को, और जो रिस्क है, जो अल्लाह ताला हमें रिस्क अता कर रहा है, और हम किस तरह से हराम रिस्क की तरफ नहीं जा रहे होंगे जब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे जो अल्लाह ताला हमें। और वैसे भी ये जो बड़े और बुजुर्ग कहते हैं कि जितना रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिलकर रहना है, और इसका अल्लाह ताला ने वादा भी आपसे किया है, तो रिस्क जितना भी है आपकी किस्मत में वो आपको मिलकर रहेगा। तो फिर हराम क्यों कमाना, फिर हलाल के रास्ते क्यों नहीं अपनाने? क्योंकि वो रिस्क जो लिखा हुआ है वो तो मिल ही जाएगा। फिर आप हलाल के रास्ते से कमाएं या फिर हराम रास्ते से कमाएं, तो आप काविश करें ताकि आप हलाल तरीके से कमा सकें, और वो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी तरफ जो है वो भेज देगा, जो आपके लिए उसने मुकर्रर किया है, जिसने आपके लिए लिखा ही है। तो हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है और सिर्फ हलाल रिस्क की जो है तरबियत भी करनी है आगे बच्चों की, और खुद अगर उस पर अमल कर रहे होंगे तो बच्चों की तरबियत हम वैसी रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी होता है, एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, चलें जी, इसी बात के साथ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। मरीजों की तादाद तो हम देख रहे हैं उसमें बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है, केसेस जो हैं 2% से नीचे ही हैं, और फाल मरीजों की तादाद अब 25,000 से भी कम रह गई है, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये खुशाइन बात जरूरी है, जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात भी उतनी ही जरूरी है। एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने अपने ट्वीट में ये खबरदार किया है कि ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ना लगवाई तो कोरोना वायरस दोबारा सर उठा सकता है। कराची देखें, हैदराबाद, कोयटा, नौशहरा, फैसलाबाद, मर्दान, वैक्सीनेशन का अमल मजीद बेहतर बनाने की इन जगहों पर ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो लोगों को अवेयरनेस तो अब आ चुकी है, बस घर से निकलना है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाना है और वैक्सीनेट होना है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, ये लाजमी है। ऐसे में जब मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में कमी देखने में आ रही है, हम सब खुश भी हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारक भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरियंट भी ऐसे ही हालात में पहुँच गया है। सेहत के हुकाम के मुताबिक कोरोना से मुतासरा कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरियंट आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये परेशान कुन बात भी है। तहम इत्मीनान की बात तो ये है कि तकरीबन तमाम वैक्सीन इस वेरियंट के खिलाफ मौसर हैं। दूसरी जानब अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करें तो उसने खबरदार किया है कि कोरोना बहरान अगले साल भी जारी रह सकता है। WHO ने भी ये कहा है कि गरीब ममालिक जो हैं वो कोरोना वैक्सीन उनमें नहीं मिल रही है, इसलिए वहाँ पर जो है वो कोरोना उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन हमारे अपने मुल्क में अगर अगले साल फिर यही खदशात हैं तो हमें जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। हाँ जी, अफ्रीका की भी बात की है WHO, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% से भी कम आबादी जो है उसकी कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है, जबकि दीगर ममालिक में ये शरह 40% तक है। आलमी इदारा सेहत के माहरीन ये भी कह रहे हैं कि
कि कोरोना वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाने की जरूरत है। अगर अगले साल तक का खदशा जाहिर किया जा रहा है तो यानी कि खतरा पाकिस्तान में भी बाहर मौजूद है। उसका एक ही हल अभी तक हमारे पास है कि हम जल्द अज जल्द जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट नहीं किया वो खुद को वैक्सीनेट करें। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के नए वेरिएंट की बात कर लें, अब कैलिफोर्निया वेरिएंट का नाम सामने आ रहा है, ये पुराने वेरिएंट से किस कदर मुख्तलिफ है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये जो इसकी वायरस है ये बहुत बड़े साइज की वायरस है, क्योंकि दो वायरसेस मिलकर चमगादड़ के अंदर एक वायरस बनी। तो ये इसके 39,000 म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं और वेरिएशन इससे अलावा हैं। जो ये नया वेरिएंट है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, ये सदरन कैलिफोर्निया से शुरू हुआ यानी अमेरिका से, और होते होते ये तकरीबन पूरी दुनिया में फैल गया बशमूल पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमने 42 केसेस अभी तक देखे हैं, ज़्यादातर केसेस लाहौर में हैं लेकिन बाकी शहरों में भी हैं। और ये मुख्तलिफ इस तरीके से है कि ये तीन वेरिएशन आई हैं इसके आरएनए में, उनमें से दो स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो इसके कांटे हैं जिनके ज़रिए ये वायरस जब सांस के ज़रिए एंटर होती है बॉडी में, अटैच होती है और आपके अंदर बॉडी के चली जाती है खून की नालियों में। तो एक जो इसकी वेरिएशन आई है वो RBD यानी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में आई है, जहाँ पर हमारी वैक्सीन काम करती हैं और जहाँ पे जाके ये वायरस अटैच होती है वो अंदरूनी हिस्सों को, और वहाँ पे फिर जाके ये फेफड़े में सोजिश करती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी ये वेरिएशन की वजह से वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने की अहलियत तकरीबन 3 गुना उसने बढ़ा ली है मज़ीद डेल्टा वेरिएंट के बाद, और उसके बाद इसकी विरुलेंस भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि ये सांस के ज़रिए जब बॉडी में जाएगी तो ये फेफड़े को डैमेज करने की अहलियत तकरीबन डबल कर दी है इसने, और इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हमें इससे अभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि इस वायरस का हम किला कुमा ना कर दें। और किला कुमा उस वक्त मुमकिन होगा जब पूरी दुनिया में 70-80% लोगों को वैक्सीनेट हो चुके होंगे बशमूल पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी सिर्फ 4 करोड़ लोग हुए हैं, ये 22 करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, कम से कम 18 करोड़ का टारगेट है कि वो लग जाएं जल्द से जल्द। अदरवाइज़ ये अभी तक तो जो हमने देखा है एप्सिलॉन जो वेरिएंट है इसके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन्स जो हैं चाइनीज़ हों या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स हों अफेक्टिव हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर गया और बहुत ज़्यादा वेरिएशन ख़ासकर इस डोमेन में आ गई RBD में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में, तो फिर शायद ये इनफेक्टिव हो जाए वैक्सीन। अभी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी वैक्सीन की कम हुई है लेकिन इतनी नहीं कि कोई हमें तशवीश की बात हो। तो इंशाल्लाह अगर हम एहतियात करते रहेंगे, मास्क पहनते रहेंगे, एक दूसरे से फासला रखेंगे, समाजी फासला रखेंगे, हाथों को बार बार धोएंगे और ये नहीं समझेंगे कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ये समझेंगे कोरोना थोड़ा कम हुआ है वक्ती तौर पे, अभी भी मौजूद है और अभी मोर्टेलिटी भी 20-30 कीमती जाने पाकिस्तान में ले रहा है, तकरीबन 45 लाख लोगों को दुनिया में मार बैठा है। सब एहतियात की तो ज़रूरत है, वो हम सब कर भी रहे हैं, लेकिन कोरोना की ये जो 5वीं लहर है आप कह रहे हैं कि ख़तरनाक भी है, इससे बचने के लिए इनफरादी सतह पर या हुकूमती सतह पर किन इकदाम की ज़रूरत है? देखें, सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें एक स्टेप चाहिए वो ये चाहिए कि हम फौरी तौर पे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना हिस्सा डाले अपने आप के अपने पाकिस्तानियों को बचाने के लिए और दुनिया के इंसानों को बचाने के लिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी भी वैक्सीन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है लोगों का। हॉस्पिटल में हमारे पास जो सीरियस मरीज आते हैं उनमें से अक्सर ने वैक्सीन नहीं लगाई होती। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो आपकी डेथ का चांस 10 से 12 गुना ज़्यादा है उस इंसान से जिसने वैक्सीन लगवाई है, अगर ये हो भी गई वायरस में आप मुब्तला हो भी गए। लेकिन लोग इनफेक्ट्स पे कान नहीं धर रहे, वो फटीग में मुब्तला हैं, उनके अवहम में मुब्तला हैं, या वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं निकला, उनकी तरजीहात में नहीं है कि वो जाके अपने करीबी मरकज़ से वैक्सीन लगाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट की सतह पे तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट कर रही है जो करना चाहिए, लेकिन इनफरादी सतह पे हमें अपनी आप को, चाहे गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दी हैं पाबंदियाँ,
लेकिन हम फिर भी शादियों पे छोटी शादियाँ कर लें, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर लें। हम ज़्यादा पुरहजूम रेस्टोरेंट्स में ना जाएं, हम टेक अवेज़ कर लें, हम अपने आप को पाबंदियों के साथ ज़िंदा रहें। अपनी ये वक्त ऐसा है कि हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें बजाय इसके कि हमारी जान। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ममालिक को देखें और फिर पाकिस्तान को देखें, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी हम बात कर लें, आप पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की रफ्तार से मुतमईन हैं और हर्ड इम्यूनिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, आप अभी भी पुरुद हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है? देखें, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, बहुत स्लो हम जा रहे हैं इस रफ्तार से, तो शायद हम 2-3 साल लग जाएं हमें हर्ड इम्यूनिटी में। और उस वक्त तक जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि वे वायरस हो सकता है इतनी म्यूटेट कर चुकी हो या इतनी वेरिएशन इसमें आ चुकी हो आरएनए में कि हमारी वैक्सीनेशन मुवसर ही ना रहे, फिर क्या करेंगे? अच्छा। तो ज़ीरो से शुरू होंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम, गवर्नमेंट का काम है वैक्सीन के प्रोविजन, वो हो रही है, हमारा काम है कि खुद जा के बजाय किसी चीज़ का इंतज़ार करें, कोई किसी की जान चली जाए अपने शहर में या अपने मोहल्ले में या ख़ानदान में तो हम फिर जा के लगवाएं। खुदारा अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को खुद ले के जाएँ, तरजीही बुनियादों पर ले के जाएँ और लगवाएँ, ताकि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना फाल कर सकें। ये जो अंधेरी एक गार जिसमें से गुजर रहे हैं, टनल में से हम, इसकी जो रे ऑफ होप नज़र आती है 50 लाख तकरीबन जाने देने के बाद, वो एक इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ज़रिए है। हम अगर हिस्सा डालेंगे पूरी दुनिया से ये रुख्सत होगी, वरना अगर किसी मुल्क में ये पीछे रह भी गई तो कोई पूरी दुनिया ही महफूज नहीं होगी। इसीलिए हमारा एक कॉल है वैक्सीन वर्ल्ड में कि नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ, तो हम सबको हिस्सा डालना है, अपनी ज़िंदगी नहीं अकेले बचाने के लिए, अपने ख़ानदान की, अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने मुल्क की और अपने इंसानी बहन भाइयों की ज़िंदगी बचाने के लिए हमें अपना हिस्सा डालना है। ये फरीज़ अब ये सबसे बड़ा फ़र्ज है इस वक्त, जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली, जिसने एक ज़िंदगी ली वैक्सीन ना लगाने की वजह से उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी ले ली, ये हमारे दीन का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बूस्टर डोज के लिए भी FDA ने मुख्तलिफ वैक्सीन्स को इजाज़त दी है, जबकि मिक्स डोज की इजाज़त भी दे दी गई है। क्या पाकिस्तान को भी इस हवाले से गौर करना चाहिए कि बड़ी उम्र और हेल्थ सेक्टर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए? हेल्थ जो फ्रंट लाइनर्स हैं हेल्थ में, जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे बस में कंडक्टर ड्राइवर्स हैं, जो ट्रेन्स पे हमारे हैं जो कंडक्टर, उन सबको लगनी चाहिए। जहाँ पे भी आपका एक्सपोजर ज़रूरत से ज़्यादा है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप पे आपकी ड्यूटी की कॉल ऐसी है कि आपको पुरहजूम जगह पे जाना मस्ट हो जाता है, ह्यूमन इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, आपको बूस्टर लगनी चाहिए, लेकिन वो लगनी चाहिए 6 माह बाद आखिरी डोज के, और वो भी उसी की लगनी चाहिए जिसकी आपने ओरिजिनली लगाई है। जो एक थर्ड डोज है ऑफ डिफरेंट वैक्सीन जिसको हम मिक्स एंड मैच वैक्सीन कहते हैं जी। उसकी अभी कोई तजर्बा नहीं है पूरी दुनिया में कि वो फ़ायदेमंद भी है कि नहीं, उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, पोलीवैक्स स्टडी। 3 माह की जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी मुतमईन है कि उसमें अगर किसी ने मिक्स एंड मैच की भी है कि पहले उनको चाइनीज़ वैक्सीन की 2 डोजेज़ या 1 डोजेज़ कैंसाइनो की लगी थी, अब उन्होंने मोडर्ना या फाइजर लगवा ली है, तो उनको 3 माह में कोई ऐसे ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको 3 साल में नहीं आएंगे या 30 साल में नहीं आएंगे, इसलिए अभी हम इस पर तहकीक कर रहे हैं और हम आपसे शेयर करेंगे कि मिक्स एंड मैच करना वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं। अलबत्ता ये सेफ़ है कि जिसकी आपने पहले डोजेज लगवाई हैं उसी की थर्ड डोज लगवा लें, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी सबसे अहम ये है कि हमको वैक्सीनेट करें और दूसरे लोगों को जो आप जिनको आप जानते हैं कि उन्होंने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं किया है या जाके वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको किसी तरह से मनाना है, उनको समझाना है ताकि वो जाएँ और ख़ुद को वैक्सीन लगवाएँ, जब तक
वो खुद को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, वो महफूज नहीं है, तो हम कैसे महफूज हो सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, शायद उनके लिए हेल्थ इतनी माने नहीं रखती है, तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, सेहत है, उसके बाद बाकी सारे काम है। अगर आप जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले खुद को इंपॉर्टेंस दें, जाएँ और जाके वैक्सीनेट हो जाएँ, ताकि आपसे दूसरे भी महफूज रहें, आप खुद भी महफूज रह सकें। अच्छा, ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, तब आसान हो जाती हैं जिस वक्त आप इल्म की रोशनी से बच्चों को मुनव्वर कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो बच्चे जो होते हैं समझदार होते हैं, अगली नस्ल जब जवान हो रही होती है तो वो बेहतर फैसले कर रही होती है, तहकीक की बुनियाद पर कर रही होती है, इल्म की बुनियाद पर कर रही होती है। वैसे तो अपने मुल्क के बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना किसी भी रियासत की ही जिम्मेदारी होती है, अवलीन जिम्मेदारी रियासत की है, मगर जब रियासत इस मामले में कुछ फराइज से गाफिल नजर आ रही हो, कुछ वीक नजर आ रही हो, तो कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग अपनी मदद आपके तहत मैदान में हमें आते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिसकी एक मिसाल तो सऊदी अरब से शुरू होने वाली ये नून अकेडमी है, जो ऑनलाइन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इल्म की किरणें बिखेर रही है। बैन अल-अक़वामी ऑनलाइन अकेडमी पाकिस्तान भर में, खसूसन यहाँ के पसमानदा इलाकों में तालीमी इंकलाब का जरिया बन रही है। हाँ जी, ये नून अकेडमी पाकिस्तान का आगाज जो है गुज़श्ता बरस किया गया था, और रवा माह तक 15 लाख पाकिस्तानी तलबा इस ऑनलाइन अकेडमी के जरिए ना सिर्फ मुफ्त और मयारी तालीम बल्कि बेहतर नतायज भी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और मजमूई तौर पर अगर हम देखें ना, तो 8 ममालिक के 12 मिलियन तलबा हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो तलबा नून अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट अकाउंट बना सकते हैं और मजामीन के हिसाब से इसातज़ा के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम देखें तो इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए क्विज़ वगैरह के कॉम्पिटिशन भी रखे गए हैं, जिस और इसमें इनामात भी साथ दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ना सिर्फ उनको पढ़ाया जा रहा है, फिर जब क्विज़ लिए जाते हैं तो वो तैयारी करते हैं, उसके बाद भी सामने आता है, बड़ा ही मुनफरिद सा आइडिया। बात करेंगे माहिर तालीम साद सलमान सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नून अकेडमी के हवाले से हमें बताएँ, आगाज़ कैसे हुआ, सोच क्या थी इसके पीछे? नून एकेडमी का आगाज़ बेसिकली सऊदी अरब से हुआ था, एक टेस्ट प्रेप वेबसाइट के तौर पे, और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि बच्चों को एक ऐसा सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिसमें बच्चे बोर ना हो और वो टॉप टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकें। हमारे पास बहुत से ऐसा के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि यूट्यूब है, जिसमें टॉप टीचर्स की वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आप टीचर से कोई सवाल नहीं कर सकते। ठीक, तो एक तो ये सोच थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ टॉप टीचर से बच्चा लाइव सवाल भी कर सके। सही। दूसरा ये था कि देखें, आज अगर हम अपने आसपास देखें तो स्मार्टफोन और इंटरनेट पैकेज तकरीबन हर बंदे के पास है। एक बंदा वेल्डिंग कर रहा है, एक बंदा दुकानदार है, वो भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है। तो चूंकि अब इसकी स्मार्टफोन और इंटरनेट की रीच हर बंदे तक हो गई है, तो एक सोच ये थी कि हम एजुकेशन को इन्हीं दो रिसोर्सेज को यूज करते हुए दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दें। साद सलमान साहब, नून अकेडमी कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है और कितने पाकिस्तानी बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं? देखिए, ग्लोबली तो नून अकेडमी जैसे सऊदीया से स्टार्ट हुई, फिर शुरू के कुछ सालों में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ये रही, लास्ट ईयर पाकिस्तान और इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया, और ग्लोबली इस टाइम 8 मुल्कों में प्रेजेंस है नून अकेडमी की। पहले इसका नाम नून अकेडमी था, अब नून हो गया, और पूरी दुनिया में 12 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो इस पर रजिस्टर्ड हैं, जो इस पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में पिछले एक साल में, लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट हुई थी, तो पिछले एक साल में तकरीबन 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 15 लाख बच्चे जिन्होंने इस पर रजिस्टर किया, जो इस पर पढ़ रहे हैं और फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और दोनों सिलेबस जो कि हमारा एक नेशनल बोर्ड्स का सिलेबस होता है, पाकिस्तान के लोकल बोर्ड्स हैं वो भी हम पढ़ा रहे हैं, और कैम्ब्रिज IGCSE वो भी पढ़ा रहे हैं। और इसमें हमारे पास एक तो वो क्लासेस हैं जो फ्री क्लासेस हैं, बच्चे फ्री क्लासेस भी लेते हैं जिसमें हम पूरा कोर्स कवर कराते हैं, और कुछ हमारी पेड क्लासेस भी होती हैं। अच्छा, पेड क्लासेस इस तरह से होती हैं कि जो बच्चा फ्री क्लास के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे, पास्ट पेपर्स करना चाह रहा है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो चाह रहे टीचर उसको कुछ ज़्यादा टाइम दे, तो वो पेड क्लास में फिर आ जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर हम इसी तरह जो एंट्री टेस्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर, जैसे MDCAT है, ECAT है, NET है, NAT, इनकी तैयारी भी हम इस पर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान में जब ली गई तो वो तकरीबन यही टाइम पीरियड चल रहा था कि जो कि कोरोना के दौरान था, और तब तो ऑनलाइन एजुकेशन का ही ट्रेंड आया हुआ था, तो कोरोना के दौरान जब स्कूल बंद थे तो नून के प्लेटफॉर्म से बच्चों की तालीम में कितना अहम किरदार अदा किया गया है और किस तरह से डिज़ाइन की गई थी चीज़ें उनके लिए?
अच्छा, कोरोना में और कोरोना के बाद भी नून एकेडमी का बहुत बड़ा किरदार रहा बच्चों की तालीम में। कोरोना में तो जारी बात है, तालीम बिल्कुल आप समझें कि जैसे बहुत से स्कूलों में रुक गई थी, बहुत से स्कूलों में बराए नाम एक ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन और जो नॉर्मल जो फिजिकल एजुकेशन है, इसमें थोड़ा फर्क होता है। ऑनलाइन के लिए एक ट्रेन टीचर चाहिए होता है जो बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि जैसे वो बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ा रहा है, वरना वो एक वो असर नहीं रहेगा टीचर के पढ़ाने में। तो कोरोना के दौरान भी ऐसे बच्चे थे जिनके स्कूलों में क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो रही थी, और उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। और हमने उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी चेन्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, उनको ऑफर किया था कि हम हमारे प्लेटफॉर्म को फ्री यूज़ करें और अपने टीचर्स को कहें कि वो प्राइवेट क्लासेस लें, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। और हमने अपना प्लेटफॉर्म की एक्सेस फ्री दे दी थी, वो अभी भी फ्री है, कोई अपनी प्राइवेट क्लासेस लेना चाहे तो वो ले सकता है। कोरोना के बाद भी जो बच्चे अभी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, देखिए चार किस्म के बुनियादी तौर पर बच्चे हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ें। एक वो बच्चे हैं कि जो उनको सुबह अपने स्कूलों में सही समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और या कोई स्कूल में कोई ऐसी चीज़ पढ़ा दी जाती है, ऐसा भी वो बच्चे आए कि जी हमारे स्कूल में गलत पढ़ा दिया, तो वो बच्चे फिर शाम को आके हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। दूसरी तरह के बच्चे वो हैं कि जो बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं, कि जिनके इलाकों में या तो स्कूल या तालीम की सहूलत है ही नहीं, या उनके इलाकों में स्कूल तो हैं वहाँ उस्ताद नहीं है। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो डेरा बुकटी से जिन्होंने ज्वाइन किया, सुई बलोचिस्तान, वजीरिस्तान या सिंध के ऐसे इलाकों से कि जिनके हमने नाम भी नहीं सुने हुए। उन बच्चों ने बताया कि हमें तो इस बात की खुशी होती है कि हमें उस्ताद से बात करने का मौका मिल रहा है। तो एक तो दूसरे किस्म के बच्चे ये हैं कि जो जिनके पास तालीमी सहूलियत बिल्कुल नहीं है, वो नून पे प्लेटफॉर्म पर पढ़ें। तीसरे हमारे पास हमारी बेटियां इस तरह की हैं कि जो पाकिस्तान में ऐसे इलाकों से ताल्लुक है कि फैमिली प्रेशर्स की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बच्चियों ने भी पिछला पूरा साल हमारे प्लेटफॉर्म पे घर बैठ के फ्री एजुकेशन हासिल की, और अब वो प्राइवेट एग्जाम दिया, और वो हमें हमारे जो नंबर है उस पर कॉल करती हैं, शुक्रिया करती हैं कि नून ना होता तो हमारी पढ़ाई रुक जाती, ठीक है। और चौथी किस्म के बच्चे वो हैं कि जिनकी अनफॉर्चुनेटली जिनके सर से पेरेंट्स का साया बिल्कुल ठीक उठ गया, और वो खुद अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर्स हैं। ऐसे बच्चे हैं जो दिन के टाइम मजदूरी करते हैं, शॉप्स पे बैठते हैं। कोई बच्चा नून अकेडमी इस वक्त किस सतह के बच्चों को तालीम दे रही है, और फिर अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो क्या एजुकेशनल मॉडल जो है वो जदीद तर्ज पर कायम किया गया? देखिए, इस टाइम हमारे पास जो क्लासेस हो रही हैं वो 6 to 8, यानी 6, 7, 8 क्लास जो लेवल की क्लासेस हैं, उसके अलावा 9, 10 जिसको आप मैट्रिक कहते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास 11, 12 जिसको आप FAFSC कहते हैं, उसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS, ICOM, और इसके अलावा जो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE, कैम्ब्रिज, ये हो रहा है। उसके अलावा MD CAT जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में, E CAT जो एंट्री टेस्ट हैं, NAT, NAT, इसी तरह हमने पीछे SAT का भी एक सेशन करवाया था। उसके अलावा कैरियर काउंसलिंग के सेशंस हम बच्चों के अक्सर करवाते रहते हैं। अच्छा। और ISSB जो आर्मी में पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करने का टेस्ट है, उसकी हमने तैयारी भी करवाई। और उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए हमने स्टोरी टेलिंग मुख्तलिफ जबानों में, जैसे हमारे बचपन में होता था ना कि रेडियो पर एक सेगमेंट होता था कि 30 मार खान की कहानी आ रही तो बच्चे सारे बैठ के उसको सुनते रहते थे, तो स्टोरीज टेलिंग के छोटे बच्चों के लिए हमारे वो सेशंस भी होते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेजेस में सिंधी, पटवारी, पंजाबी, इन लैंग्वेजेस में भी स्टोरी टेलिंग की जाती है। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कुछ ना कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पर हर बिल्कुल ठीक है जी। साथ सलमान सुलेजा प्रिया आपका सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मुनफरद आइडिया है, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जामे तौर पर वहाँ पर कोर्सेज रखे गए हैं, असातिज़ा वहाँ पर ट्रेंड मौजूद हैं बच्चों की रहनुमाई के लिए, तो यकीनी तौर पर अगर हम देखें जाती हैसियत में एक बड़ी अच्छी कावेश है। बिल्कुल, बच्चे जिस तरह से लाइव टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और फिर वो कोचिंग क्लासेस भी हो रही हैं साथ में, जो बच्चे स्कूल में समझ नहीं पाते हैं वो उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो बड़ी अच्छी कावेश है। और यकीनन इसके ऊपर हुकूमती सतह पर भी इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसी, हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।